हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि करवा चौथ का व्रत जो होता है वो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही क्यों मनाया जाता है, उसका कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हिमालय राज और मैना सुंदरी, जो पार्वती के माता पिता हैं, जैसे जो माता पार्वती हैं उनके माता पिता, पिता का नाम था हिमालय राज और माता का नाम था मैना सुंदरी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन लोगों के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने नारद ऋषि को याद किया, उनकी तपस्या की। तो उनसे उसका प्रतिफल पाने के लिए कि क्यों ना उनसे एक अनुग्रह या कोई ऐसा मार्ग उनसे पूछा जाए जिससे मुझे पुत्री प्राप्त हो सके, संतान की प्राप्ति हो सके। तो नारद जी ने बताया कि आपको एक यज्ञ करना है, उस यज्ञ के माध्यम से जो उसका प्रसाद निकलेगा यज्ञ से, वो आप लोग आपको ग्रहण करना है। मैना सुंदरी से बताई ये बात, तो उन्होंने यज्ञ का कार्य संपन्न करवाया और उसके बाद जो उनको प्रसाद मिला वो ग्रहण किया। उसके बाद माता पार्वती जी का जन्म होता है। फिर जब माता पार्वती जी का जन्म होता है, तो इधर नारद मुनि जी फिर एक बार प्रकट होते हैं, क्योंकि उधर माता सती सती हो चुकी होती हैं, उनका देवासन हो चुका होता है। तो और इधर महादेव भगवान जो है अज्ञातवास में चले जाते हैं, तो उनको वापस पुनः एक, क्योंकि तपस्या में वो लीन हो जाते हैं, तपस्या के द्वारा निकालना, ऐसे तो भगवान शंकर को समझ लो किसी में, किसी देवता के बस में नहीं था, क्योंकि उनकी तपस्या को भंग करने, मतलब वो तीसरी आँख उनका या जो तीसरा नेत्र था, अगर खुल गया तो फिर सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। तो उस डर से बचाने के लिए और भगवान शंकर जी की तपस्या को, जो साधना में लीन थे, उसको भंग करने के लिए कुछ ऐसा उपाय ढूंढा गया कि अगर माता पार्वती जी उनको मन ही मन उनको पति मानकर अगर उनकी पूजा करेंगी, तो वो तपस्या में जो लीन है साधना में, फिर भी उनको पता चल जाएगा। ऐसा ही होता है ठीक, और वो यही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रहती हैं और महादेव भगवान को खुश करती हैं। उसी दिन से वो करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखती हैं श्रद्धा भाव से, उसी दिन से इस व्रत की शुरुआत होती है। ये एक मत था। दूसरा मत ये है कि ऐसा बताया जाता है कि जब राम भगवान और रावण का युद्ध होने वाला था, तो अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पति को विजयी बनाने के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए माता सीता जी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। एक ये भी मत है, पुराणों में लिखा है कि उसी दिन से करवा चौथ की शुरुआत होती है। माता करवा ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके पति की युद्ध में रक्षा करेंगे। एक मत ये भी है कि एक बार ऐसा हुआ, देवी देवताओं में युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध चल रहा था, उससे देवताओं को राक्षसों ने बंदी बना लिया। जब राक्षसों ने देवताओं को बंदी बना लिया, तो जो देवियां थीं वो बहुत परेशान हो गई। परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। तब ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, तो ब्रह्मा जी से विनती करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, उनसे इस जो युद्ध था, जो क्या बोलते, देवताओं में और इधर राक्षसों में, उसके युद्ध का निवारण पूछती हैं कि इसका इससे कैसे बाहर निकाला जाए उन लोगों को, क्योंकि देवताओं को राक्षसों ने बंदी बना कर रखा था। फिर जब ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आप अपने पति को मुक्त करा सकती हैं, तो फिर वो भी ब्रह्मा जी ने फिर उन देवियों को बताया कि आप अपने पति की
अपने पति की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखो। एक मत ये भी था। और एक मत पुराणों में ये भी लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ, करवा नाम की स्त्री का पति जो है मर जाता है, उसकी पति अपने पति की प्राप्ति के लिए, पुनः प्राप्ति के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए वो यमराज जी से बार बार मिन्नतें करने लगती है। और यमराज जी से बार बार मिन्नतें करने के बाद यमराज जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति के प्राण वापस लौटा देते हैं और उसको जीवित कर देते हैं। जीवित करने के बाद उसको आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम्हारे नाम से ही एक व्रत स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा करवा चौथ का व्रत। तो आप लोगों को बताया मैंने, बहुत सारी पुराणों में धारणाएं और मान्यताएं थीं आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की, लेकिन मोस्टली आप लोगों को पता होना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए पत्नियां रखती हैं। उसमें ये रहता है कि लगभग शाम को जब जब चंद्रमा निकलते हैं, तब चंद्रमा निकलने के बाद वो अब चंद्र को देखकर अपना अर्घ देती हैं। उसके बाद पति के द्वारा जो भी मिष्ठान या पानी पीकर अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आप लोगों को इससे अधिक कोई जानकारी प्राप्त है कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। मिलता हूँ फिर एक न्यू जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।